ये तो किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। हमारी निखत को कितना अच्छा लड़का मिल गया। इमरान के घर से इतने सारे तोहफे आए हैं, हमें भी तो वहां तोहफे भेजने होंगे। हाँ तो भेज देंगे, तुम्हें क्या क्या भेजना है मुझे बता दो, मैं किसी के हाथ से मंगवा लूंगा सब। अब भी लीजिए। ये रही लिस्ट। अरे पर ये तो वो लिस्ट है जो लड़के वालों ने भेजी थी। गौर से देखिए, हर सामान के आगे इनटू 10 लिखा है ना। हाँ पर क्यों? ताकि आपको ख्याल रहे कि लड़के वालों ने जो भी दिया है हम उसे 10 गुना ज्यादा उन्हें देंगे। उन्होंने हमारी निखत को 3 जोड़ी कपड़े दिए हैं, हम 30 जोड़ी देंगे। उन्होंने 1 अंगूठी दी है, हम 10 अंगूठियां देंगे। उन्होंने 1 डिनर सेट दिया है, हम 10 डिनर सेट देंगे। क्यों? हाँ? वो लोग केटरिंग का बिजनेस शुरू करने वाले हैं। हाय, वो केटरिंग का बिजनेस खोलने वाले हैं? तब तो सारा सामान इस्तेमाल भी हो जाएगा, नहीं? और ये सारी चीजें इनटू 10 क्यों? भाभी ने कहा है कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो लड़के वालों ने जो भी दिया है हम उसे 10 गुना ज्यादा देंगे, इसलिए। शिरीन, तुम इन सामान को लेकर ना परेशान मत होना, मैं सब लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे सामान कैसे लाएंगे, लिस्ट तो हमारे पास ही रह गई। राशिद, अबू रुकिए। अम्मी ने लिस्ट दी अबू, शॉपिंग लिस्ट। यार मैं आज थोड़ा सा मसरूफ हूं, ऐसा करो ये सामान तुम ही ले आओ। ओके अबू। हाँ, आप असद भाई से मिलने कब जाएंगे? उस दिन आप जा नहीं पाए थे और उस बात को अब 2 दिन हो गए हैं अबू, और आप, मैं सोच रहा था कि जाऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। लेकिन मैं जानता हूं वो वक्त कभी नहीं आएगा जब असद मुझसे मिलना चाहेगा। खुदा करे वो वक्त जल्द आ जाए जब अबू और असद भाईजान एक दूसरे के करीब आए। अम्मी, ये अगर कहीं जा रही हैं तो इनके लिए गाड़ी का इंतजाम कर दूं मैं? नहीं, मेरा मतलब जब तक ये हमारे साथ रह रही हैं हमारी जिम्मेदारी, खुदा ना खास्ते इन्हें कुछ हो गया तो इनकी चीजों हमसे सवाल तलब करेंगे, तो आप पूछिए अगर उन्हें गाड़ी की जरूरत है तो। तुम खुद ही पूछ लो। कहीं जा रही है तो क्या मैं आपको छोड़ दूं या गाड़ी का इंतजाम कर दूं? मैं हर जगह अकेली आ जा सकती हूं। थैंक यू सो मच। इनक्रेडिबली फूलिश। क्या कहा आपने? मैं क्या कहूंगी, कह तो आप रहे थे उस दिन मॉल में कि जिनके घर में आप मेहमान बन के रुकेंगी वो लोग शरीफ और इज्जतदार। ये बात मेरे लिए माननी थोड़ी सी मुश्किल है। यही कहा था ना आपने? मुझे याद है मैंने क्या कहा था, शायद आप भूल गई आपने क्या कहा था। आपने कहा था जिनके घर पे आप रुकी हैं वो भोपाल के सबसे ज्यादा इज्जतदार और शरीफ लोग हैं।
अगर मैं उनके घर कभी आऊं तो मुझे पता चलेगा कि बड़े लोग कैसे रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनके घर में मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर से देख के जाना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ कहा था आपने। कितना दर्द कर रहा है, कल रात को कितनी जोर से दबाया आपने, पता है आपको? बेचारी, कितना दर्द हो रहा होगा उसे, बहुत जोरों से हाथ मोड़ दिया क्या? अम्मी वो बेचारी नहीं है। अरे कहां अब्बू ने फंसा दिया यार, मैं शॉपिंग कैसे करूंगा, क्या करूं यार। असद भाई को फोन करता हूं। मोबाइल कहां है? लैंडलाइन से फोन करता हूं। नजमा देखो किसका फोन है। लिस्ट कहां है? नजमा, ये गिफ्ट्स के चक्कर में फाइल ले जाना ही भूल गया। ओहो, हेलो सॉरी, रॉन्ग नंबर। इर्शा, पता नहीं ये लड़कियां इतना डीप कट कैसे पहनती है। वो शायरा है ना, 4 नंबर कोठी वाली, वो पहनती है। पता है हम लोगों ने ना उसका नाम खुली खिड़की रख रखा है। तुम्हें कितनी बार बोला गया है कि इस तरह की बातें नहीं किया करते? तो किस तरीके की बातें किया करते हैं? हाँ, जिसमें इमरान मियां का जिक्र हुआ करे। चुप कर। उनका फोन आया, नंबर तो होगा इनके पास। आया उनका कॉल? एसएमएस तो आया ही होगा ना? ओके, अगर उनका एसएमएस नहीं आया तो आप कर लीजिए। हाय अल्लाह, कुछ भी बोलती है। हाय अल्लाह, करने से कुछ नहीं होने वाला। अरे कॉल करो, एसएमएस करो, तभी तो पता चलेगा दोनों में केमिस्ट्री कितनी है। केमिस्ट्री तो अभी बहुत जरूरी है, बाद में आप बायोलॉजी हैंडल कर लोगे ना बाजी? चुप कर। अब कॉलेज चला जाए? हाँ। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की तैयारी है? वो हम कॉलेज जा रहे हैं। तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अब्बू सब सही है। निखत, तुम्हारे सेकेंड ईयर के इम्तिहान कब है? जी अभी तक कोई डेट नहीं आई। तो पता करो, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है, हम तुम्हारे निकाह में देर नहीं करना चाहते। पर अब्बू अगर एग्जाम्स लेट हुए तो? निकाह की तारीख हम तय करेंगे, इम्तिहान की नहीं। अगर इम्तिहान देर से होंगे
तो निखत इम्तिहान नहीं देगी। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। पता नहीं कब निकलेगी तारीख। लो भाई डब्बा तुम्हारा। मैं तो थक गई। कॉलेज में कैंटीन है तो पकड़ो चुपचाप। कटहल बनवाई है महीन महीन काट के। बनाना जितना आसान है काटना उतना ही मुश्किल है। शिरीन। ओ भाई जान। राशिद कहाँ है? वो तो सुबह जल्दी ही चले गए। कह के गए हैं कि आज जमीन का सौदा हो ही जाएगा। और अयान कहाँ? कॉलेज खत्म हुए 6 महीने हो गए, दफ्तर वो आता नहीं। पता तो चले कि वो जनाब वक्त कैसे काटते हैं। वो गिटार क्लासेस के लिए जाता है भाईजान। शिरीन समझाओ उसे, जो वक्त को बर्बाद करते हैं वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है। गिटार सीखने गए हैं। अब्बू वो गिटार सीखने नहीं, मछली पकड़ने गए। दुनिया के सारे अहमकाने शौक इस लड़के को है। गिटार बजाने जाएंगे, मछली पकड़ने जाएंगे। अल्लाह ही जानता है इसका फ्यूचर कैसा होगा। देखिए ना, आज हम सुबह ही सोच रहे थे भाईजान कि दोपहर के खाने में क्या बनेगा। अब जबकि आयान मछली पकड़ के ला ही रहा है तो मछली बनाएंगे। कितना अच्छा बेटा है मेरा। माँ की परेशानी यूं आसान कर दी। नहीं तुम लोग भी निकलो जल्दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हुमैरा तुम्हारी क्या दुश्मनी आयान से? क्यों उसे बार बार फंसाती रहती हो? अल्लाह मैंने कब फंसाया? वो खुद गए थे मछली पकड़ने। तो उसमें क्या है, मछली पकड़ने में कौन सी बुरी बात है? कितनी भोली है ये। बाजी आपका भाई जब मछली पकड़ने जाता है तो एक भी मछली घर लेके आता है? नहीं ना बाजी, वो अलग तरह की मछली फंसाता है। आज कोई भी अच्छी मछली दिखी नहीं खान। दूरबीन उधर घुमा खान, पीला तो हो रहा है गजक। अच्छा तो मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। कल मिलेंगे ठीक है? बाय बाय सिया। बाय। अब देख खान भाई का जलवा। अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए जी। आप फोन के बारे में कुछ जानती हैं क्या? वो असल में मैंने एक नया फोन लिया है, प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम है? काफी देर से आपका नंबर ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। ओ, तो आपको मेरा नंबर चाहिए? जी, आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपकी बातों में डूबना चाहता हूँ। अल्लाह आपकी तमन्ना पूरी करे। पागल। क्या आयान भाई, अबे ये तो प्यार करने का तरीका है लड़कियों का। पूरी सेटिंग हो गई है, कॉफी पीने जा रहा हूं मैं उसके साथ, देखो तुम। अबे क्या रोड को कूड़ेदान समझ रखा है? ओके, इसे तो मैं बताती हूं। रुकिए, प्लीज हेल्प, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देखिए अंकल, वो बदमाश भाग रहा है ना बाइक पे, मुझे ना उसका पीछा करना है। आप मेरी हेल्प करेंगे प्लीज? चलिए जल्दी चलिए। अच्छा चलिए 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 जल्दी चलिए।
अल्लाह मियां, what's wrong with your scooty? ओह, कैसे पकड़ पाएंगे उसे? हे हे, मुझे तो लेकर जाइए, क्या कर रहे हैं? अब चलिए, जल्दी से चलिए। प्रसाद जी, सर, वो लेकवी वाले प्रोजेक्ट में इतना डिले क्यों हो रहा है? सर, कुछ फैमिलीज अभी भी जमीन पर कब्जा किए हुए, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। संभाल लीजिएगा। तो सर प्लीज ये टेंडर के फिगर्स चेक कर लीजिए। अकरम, तुम तो लंबी छुट्टी पे गए थे, ये जल्दी कैसे वापस आ गए? बाय द वे, कांग्रेचुलेशन, शादी के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं सर, निकाह हो नहीं पाया। खैर, आप इसको चेक कर लीजिए। हो नहीं पाया मतलब? सर, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। जिस लड़की से शादी की बात थी, वो लड़की निकाह से कबूल नहीं है कहकर भाग गई। शादी नहीं करनी थी तो पहले ही बोल देती, दो खानदानों की इज्जत उछालने की क्या जरूरत थी? सर, वो सीमेंट सप्लायर से रेट की बात हुई थी, पर वो हमें ज्यादा रेट पर सीमेंट दे रहा है और राशिद खान की कंपनी को कम रेट पे। सप्लायर चेंज करो। मैं उन लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं रखना जो राशिद खान की कंपनी के साथ डील करते हो। I'm sure we can find someone else. सर, बस अभी 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 वो लड़की कौन है उसके आगे? लड़की को छोड़िए, हमें उस लड़के को पकड़ना है, जल्दी करिए प्लीज। अरे अभी पकड़ लेंगे, अभी पकड़ लेंगे, थोड़ा सा तेज प्लीज। चलिए चलिए जल्दी चलिए। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। क्या लहराते हुए चला रहे हैं आप? ऐसे तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे हम। जल्दी करिए प्लीज। हाँ हाँ, चल तो रहा हूँ भाई, प्लीज जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, चला तो रहा हूँ भाई, जल्दी से चलिए। इसकी तो कोई स्पीड ही नहीं है। अरे कितना तेज चलाऊं? पैदल चली जाती तो पकड़ लेती उस लड़के को। आप उतर के पैदल जाइए। I'm so sorry. देखिए, मैं अपनी गाड़ी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। No, I'm not saying anything. बहुत अच्छी चलती है, बहुत स्पीड से चलती है, दौड़ती है, भागती है, उठती है। प्लीज इसे ले। पिछले 20 साल से हमारी फैमिली मेंबर है। हाँ प्लीज चलिए, जल्दी चलिए ना अंकल, आप समझते क्यों नहीं हैं? ये तो रोकिए, रोकिए। कहाँ? यही रोकिए। कहाँ क्या? यही है उसकी बाइक, जल्दी रोकिए। देखिए, हमने अब तक आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे कम से कम अंकल तो मत कहिए। वन हॉट कॉफी एंड वन क्लब सैंडविच। एक्सक्यूज मी, मेक दैट टू। तुम यहाँ तक आ गए? तुम्हें पता है, ऐसे पीछा करते करते हर जगह सिर्फ छोटे पपीज ही पहुंच जाया करते हैं। फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि ऐसे पपीज को लड़कियां अपने घर पे रख लिया करती हैं। वैसे मैं अजनबियों से बात नहीं करती। सुनिए मोहतरमा, मेरा नाम आयान है और अब मैं आपके लिए अजनबी नहीं हूँ। जहां तक रहा सवाल मेरा, तो आप जैसे अजनबी से बात करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे आपकी और मेरी शुरुआत थोड़ी गड़बड़ सी हुई थी। एक बार आप हमसे दोस्ती करके देखिए, आपको पता चल जाए कि आयान चीज क्या है। लोग हमेशा मेरे बारे में एक ही बात कहते हैं, यू क्रीप। किसने फेंका? क्यों, सिर्फ तुम ही चीजें फेंक सकते हो क्या? मैं नहीं फेंक सकती। तुम ठीक है, तुम ही हो सकते थे। यहाँ भोपाल में जितनी गड़बड़ होती है ना, सब तुम करते हो। क्यों फेंका तुमने वो कैन? वाह, सवाल तुम पूछ रही हो, जवाब तो तुम्हें देना चाहिए। जवाब तुम्हें मिलेगा थप्पड़, वन ऑन ईच चीक। गाल और भी काम में आ सकते हैं मोहतरमा। रियली, जूता भी गाल पे खाना है क्या? चुप करो और माफी मांगो। तुम्हारी वजह से गुंडों ने मुझे दो बार पीटा है और मेरे भाई को भी तुम्हारी वजह से चोट लगी। आज तुम्हें सारी हरकतों की सजा मिलेगी। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? गलती करो तुम, सजा मुझे मिले।
इडियट कहीं का। तूने मुझे इडियट कहा? तुम्हें बुरा लगा? क्यों? इडियट की इंसल्ट हो गई क्या?